नाइट्रेशन एंड नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2+। दिस NO2+ इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोनियम आयन। रिएजेंट फॉर नाइट्रेशन, पहला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4, इनको हम मिक्स ऑफ एसिड भी कहते हैं या मिक्सचर ऑफ एसिड आप कह सकते हो। दूसरा आप ले सकते हो NO2F इन प्रेजेंस ऑफ BF3। तो ये NO2F इन प्रेजेंस ऑफ BF3 विल गिव NO2+ एंड BF4-। तीसरा हम ले सकते हैं N2O5। N2O5 जो कि NO2+ एंड NO3- दे सकता है, तो NO2+ जो बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो दीज आर द रिएजेंट्स जिससे आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हो। सबसे कॉमन यूज होता है ये कंसेंट्रेटेड HNO3+ H2SO4। दिस इज द कॉमन रिएजेंट। मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो स्टेप वन में HNO3 जो कि HO और आपने लिया है H2SO4, इसके अंदर में जो HNO3 के ऑक्सीजन है वो H2SO4 से एक H+ निकाल लेंगे। वैसे तो HNO3 इज अ एसिड, बट यहां पे ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, और क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है सो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस। और H2SO4 H+ डोनेट कर रहा है सो दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड। देन H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाता है HOH। अब ये H2O+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, यहां से ये रिमूव हो जाएगा, प्लस को बैलेंस करने के लिए HSO4- लगा हुआ था, एंड वी हैव NO2+ प्लस H2O। दिस NO2+ विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। देन ये तो स्टेप वन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। फिर स्टेप टू, सेकेंड स्टेप में बेंजीन पे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक टू गिव
इंटरमीडिएट, और सेकेंड स्टेप में एक एच प्लस रिमूव होगा टू रीगेन एरोमेटिसिटी, और एनओ टू ऐड हो जाएगा। एच प्लस हटा, सिग्मा बॉन्ड वापस ब्रेक हुआ। फर्स्ट स्टेप में एनओ टू प्लस का इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, दैट मीन्स दिस इज द आरडीएस स्टेप। सेकेंड में एच प्लस का रिमूवल, एंड दिस इज द फास्ट स्टेप। सो एच प्लस हटा और वापस से आप देखेंगे एच एस ओ फोर माइनस यहां से रिमूव होने वाले एच प्लस को गेन कर लेगा, वापस से एच टू एस ओ फोर फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए आपने एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर लिया है, यानी कि आपको समझना यह है कि जब भी एच टू एस ओ फोर प्लस एच एन ओ थ्री मिलेगा तो एन ओ टू प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेना है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दिया जाएगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, देन एग्जाम्पल करें एक, ड्रॉ द प्रोडक्ट। ड्रॉ द प्रोडक्ट, फर्स्ट वन हो गया, प्रोडक्ट बन गया। सो फर्स्ट वन में एच एन ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर, दैट मीन्स एन ओ टू प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो एक ऑर्थो पे एन ओ टू लगा देना है हमें, और एक पैरा प्रोडक्ट बना देना है। सेकेंड में भी आप यही करोगे, एनओ टू प्लस। नाउ बी आर इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, थर्ड वन एनओ टू इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसके मेटा पोजीशन पे हमने ऐड करा देना है एनओ टू को। अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, CH3 ट्वाइस, एंड इसमें हम ऐड कर रहे हैं लेट्स से NO2FBF3। ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट।
सो एनओ टू एफ प्लस बी एफ थ्री विल जनरेट एनओ टू प्लस। एंड मेजर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, सो बिकॉज ये ग्रुप बड़ा है तो पैरा प्रोडक्ट शुड बी द मेजर, और साथ में ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इन माइनर क्वांटिटी। पर्पस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन इज टू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन इज एनओ टू प्लस। द पर्पस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन इज टू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। खैर हम ये देख चुके हैं एनओ टू प्लस जनरेट होने का मैकेनिज्म, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि HNO3 एंड H2SO4 में H2SO4 इज द एसिड एंड HNO3 इज एक्टिंग एज अ बेस इन द फर्स्ट स्टेप।